रोज की तरह मैदान जाती थी, आज भी कल भी गई थी तो बोली कि फुआ बोली कि चाय पी लो तब जाना, तो बोली कि नहीं आके हम उधर से पियेंगे। तो फिर हम लोग फिर 9 बजे तक देखे कि आई नहीं, तो हम मम्मी गई सब ढूंढने लगा, फिर नजर ही नहीं आई। अच्छा। फिर हम लोग कोई सुराग नहीं मिला, हम लोग यहाँ तक आए थे सकुराबाद का जंगल तक पूरा, यहाँ से वहाँ तक सब जगह ढूंढे, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आज क्या पता चला आप लोगों को? आज पता चला कि वहाँ भट्टा है, तो वहाँ पर ही दुपट्टा मिला, उसका लेगिंग्स मिला है। अच्छा। और पीला कलर का फ्रॉक सूट पहनी थी, वो नहीं मिला है। मतलब भट्टा पे मिला? हाँ। बॉडी कहाँ मिला? बॉडी हम लोग ने यहाँ पर मिला है। यहाँ पे आए तो क्या देखा आप लोग? हम नहीं देखे, ये लोग बोला कि बॉडी। अच्छा, दाँती कटल है? दाँती पूरा शरीर में काटा हुआ है, जख्म का निशान है। उसका नाक में पहनी थी सोना का, गला में पहनी थी, नाक कान में थी, सब कोई सब कुछ निकाला हुआ है उसका। क्या लगता है किसको गैंगरेप किया गया है या दुष्कर्म की हत्या, दुष्कर्म के बाद हत्या क्या है? हाँ, दुष्कर्म के बाद हत्या किया गया है इसका। हमारा लगा 10-12 को हमारा बच्ची के बलात्कार हुआ है, बहन का बलात्कार हुआ है और उसके बाद जान मार दिया है। पुलिस प्रशासन को कल से 8 बजे से वो लापता थी, हम लोग फोन किए, पुलिस प्रशासन एक भी नहीं ध्यान दिया। क्या घटना, कैसे क्या घटना घटी? घटना कल सुबह 8 बजे वो निकली है, उसके बाद हम लोग 9 बजे 10 बजे उसको सोचे कि अभी नहीं, 2 घंटा के बाद खोजने गए तो नहीं मिला। उसके बाद पुलिस को हम लोग इन्फॉर्म किए, पुलिस का बोला है कि आया थोड़ा देर के लिए, कहा कि आप लोग खोजिए। महिला थी बच्ची थी, अभी शादी सिर्फ है, बच्चा भी उसको नहीं, अभी शादीशुदा। कब से गायब थी? और कल 8 बजे से गायब हुई, फिर आज का बोला है कि हमको 8-9 बजे मतलब कि पता चला उसका। और उसके बाद पुलिस कभी नहीं खोजने आई। क्या लगता है उसके साथ? वो हमारा तो हुआ है, क्या लगता तो है कि दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया है। मतलब कल से वो गायब थी, उसके बाद आज उसका शव मिला। हाँ, सब मिला है। आप लोग क्या चाहते हैं? 10 बीघा थाना क्षेत्र है, उसी में एक छोटी चैनपुरा गांव है, उसी में कल महिला एक निकली हुई थी, लगभग 28 साल उनका उम्र है, शौच के लिए निकली हुई थी, घर लौट कर नहीं आई। आज अले सुबह उनका गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बाजार में शव मिला है और उसको जाँच के बाद विभिन्न बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी, उसमें स्पेशल टीम एम डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। क्या लगता है सर, महिला के साथ बलात्कार की बातें आ रही है, क्या अनुसंधान का विषय है? उसमें तो बिना पोस्टमार्टम के कुछ बोलना बहुत उचित नहीं है, सब बिंदुओं पर अनुसंधान के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि हुआ क्या। तो किस हालत में लाश मिला था सर? सब महिला का, जैसे कपड़ा शायद नहीं पहनी हुई थी? कपड़ा नहीं था महिला के शरीर पर। तो क्या लगता है सर इसके? विभिन्न बिंदुओं पर जाँच के बाद ही कोई स्पष्ट मंतव्य देना उचित लगता है। खुल गया है बिहार का सबसे भव्य यामाहा शोरूम अब अपने हाजीपुर दिघी में, जहां उपलब्ध है सबसे आधुनिक सर्विस एवं यामाहा की सभी बाइक और स्कूटी फाइनेंस की सुविधा के साथ।